देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को दो दो गांव गोद लेकर उनका चौमुखी विकास करने की बात कही। इसके बाद जौनपुर में बीजेपी सांसद रामचरित्र निषाद ने भी दो गांवों आरा और अत्रोलिया को गोद लिया। विकास के बड़े बड़े वादे भी किए लेकिन सब खोखले साबित हुए। लैटरिन है, न कलोनी है, झोपड़ी है, और बारिश होती है जो कि डर लगता है। बच्चों के झोपड़ी में लेके रहती हूँ, हमें बहुत डर लगता है कि मट्टी की दीवार है, गिर जाएगी, बच्चे लेके दब के मर जाएंगे। 4.5 साल बाद ना तो इन गांवों में बिजली है और ना ही शौचालय, सड़कें भी ठीक नहीं हैं। इससे गांव के लोग काफी नाराज हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता तो है लेकिन कुछ ही लोगों को। हमारे गांव में सर विकास का कोई पैमाना नहीं, हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे एक पानी की टंकी दिखाई पड़ रही है और हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं है सर। इस बारे में सांसद रामचरित्र निषाद का कहना है कि गांव में विकास पूरा हुआ है। आप इधर फिर से देख लीजिएगा, वहाँ हमने सारी व्यवस्था किया, ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले दिन में जो नया गांव लिया हो उसको पूरा करना है। विकास न होने से नाराज ग्रामीणों का कहना है कि झूठे वादे कर विकास का दावा करने वाले सांसद दोबारा किस मुंह से वोट मांगने आएंगे। हालत उस गांव का है जिस गांव को सांसद ने गोद लिया है, तो बाकी गांव का हाल क्या होगा। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, जौनपुर।